अभी हेलो दोस्तों, नोमैड चरणजीत का चैनल सब्सक्राइब करो और उनको लाइक करो, फॉलो करो। और अपना नाम क्या हुआ? शिवा। शिवा कहाँ से हो आप? उस बंदे के लिए मैं वेट कर रहा था ना 2 दिन से, तो वो बंदा मुझे मिल गया। और हम कहाँ से अलग हुए थे? हम लोग वासीवाड़ा। वासीवाड़ा, वासीवाड़ा विलेज से हम लोग अलग हुए थे। आपका फोन में प्रॉब्लम हो गया था, फिर आप चले गए। भाई में भाई इतनी एक्साइटमेंट मैंने पहले नहीं देखा भाई, मजा आ रहा है भाई। हम लोग निकले थे किसी और चीज के लिए, हम घर हम लोग कुछ और चीज रहे हैं। हम निकले कहाँ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई। और सुबह का टाइम हो रहा है भाई 7, और अभी मैं इस रूम को छोड़ के जा रहा हूँ। और अभी मुझे कहाँ पे जाना होगा, तो आज का जो मेरा टारगेट है वो है भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कामाख्या देवी टेम्पल। और चलो भाई इस रूम को करते हैं अलविदा जहाँ पर मैं 2 दिन से रह रहा था। मैम यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 12 बजे होता है ना चेकआउट का टाइम? नहीं, आप एक सेकंड, 11 नंबर ना? यस मैम। आपका टाइम तो हो गया है, आपका 6 है। ओके, सुबह जो है वो इन्होंने बोला था मैं आपको 6 बजे जो है वो जगा दूंगा। तो इन्होंने मेरे को कितने बजे आए थे आप? अभी आए जस्ट, इन्होंने बोला मैं खुद से आऊंगा, मैं उतने बजे खुद से आऊंगा आपके पास, और भी जी आई नहीं। ठीक है, दीजिए ठीक है। और भी तो सवारी कोई चला ना, आठ बजे लगे, आठ बजे तो होगा ना, फुल दिन में तो जाओ। हां चले, लेकिन এখানে টাইম 12 দিছে, সোই তো 30 তো হয়ে গেছে, 8 বাজে তো লাগিয়ে দিছে, লেটিং হয়ে গেছে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। तो भाई ये था यहाँ का कुछ गेस्ट हाउस, ये है पता नहीं क्या सूरो गेस्ट हाउस है, और सबसे बड़ी गटिया जो है वो गेस्ट हाउस मैंने देखा। तो भाई मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ, अपने गेस्ट हाउस से निकल चुका हूँ, और अभी मुझे 1.5 किलोमीटर यहाँ से चलना है। और जो गूगल मैप है वो उसने मुझे दिखा, वो मुझे दिखा रहा है, सॉरी 1.5 किलोमीटर नहीं, 1.5 घंटा मुझे चलना पड़ेगा। और अभी 5.5 किलोमीटर मुझे जो है वो आगे चलना होगा, सो तब जाके मैं अपनी जो डेस्टिनेशन होगी ना मेरी वहाँ पर पहुँचूँगा। सबसे पहले मुझे एम बाज़ार पता नहीं कौन सा हुआ, उसके बाद आएगा विशाल मेगा मार्ट, के बाद आएगा शाम गेस्ट हाउस, के बाद भाई आयुर्वेदिक फार्मेसी आएगी कुछ, एंड देन सेंट्रल मशीनरी कुछ ऐसा आएगा, ट्रैवल एजेंसी आएगी, एंड देन लास्ट में आएगा भाई कौन सा है, एमएम मार्केटिंग आएगी, कुछ ऐसा चौराहा होगा, और उस चौराहे को क्रॉस करके आगे जाऊंगा, एंड देन उसके बाद आएगा मेरे लिए ये पता नहीं क्या है भाई, बारालामुख कुछ ऐसा नाम है, बारालामुख पता नहीं क्या है। उसके बाद चलते चलते भाई अभी 5.5 किलोमीटर मुझे जो है वो आगे जाना है। और मैं सुबह सुबह निकलने की वजह ये थी, सबसे पहले तो उसने जो है वो चेकआउट जल्दी 80 रुपये बड़ी महंगी है भाई, ये महंगी वाला गाजर है ले लीजिए 60 रुपये के जी, वो 60 रुपये के जी हाँ, और ये वाली 80 रुपये, ये वाली 80 रुपये। टमाटर 40, टमाटर फिर भी ठीक है, गाजर ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा नहीं महंगा है भैया।
300 रुपये खरीद कर के लिए है पाला। ओह यहाँ से मंडी कितना दूर होगी? अच्छा अच्छा जी, ये कैसे लगाई, क्या बोलते हो आप इसको? बीन्स है। बीन्स 20 रुपये पाओ, 40 और 80 रुपये के जी, ये भी ठीक ही है। ठीक है भैया, ओके। मैं एक्चुअली मैं आ रहा हूँ कश्मीर से, अभी जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट घूमने, सोचा आपसे बातचीत कर लें, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी। और बाय बाय। हाँ जी जी, हिंदी थोड़ा कम समझता। अच्छा 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 अच्छा, तभी ये उतनी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, ओके बाय बाय अंकल जी। तो भाई माता के द्वार जाने के लिए पहली स्टेज तो आ गई ये वाली, अब इसको क्रॉस करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जय, यहाँ से ऊपर भाई मुझे जो है वो पैदल जाना होगा, और ऊपर तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई, जंगल है। चलो, ओह गूगल मैप्स क्या दिखा रहा है भाई, सही तो मैं जा रहा हूँ, सही तो जा रहा हूँ। पॉटासिल हिल्स आएगी ऊपर, उससे आगे जाके NS 27 एंड देन, ठीक तो जा रहा हूँ मैं, ऐसा ही है कुछ। आया तो अब भाई यहाँ पर चढ़ाई, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, हो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के शालों को, जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही चैन भी पाया है। चलो जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ और अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो है वो 1.5 घंटा हो गया जहाँ पर बैठे हुए। और क्यों भाई बैठा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं चला जाता अकेला, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना पिंटू भाई, तो वो आ रहा है, वो भाई पीछे आ रहा है, और अभी अभी फ़ोन किया था मुझे कि जस्ट जो है वो नीचे जो है वो पहुँचने वाला है। तो भाई अभी हम 3 दिन हो गए हमें बिछड़े हुए, और आज हम दोबारा से मीट कर रहे हैं, और अब से हमारी जर्नी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की दोबारा से इकट्ठे जो है ना। उस बंदे के लिए मैं वेट कर रहा था ना 2 दिन से, तो लास्ट गाइस वो बंदा मुझे मिल गया। और हम कहाँ से अलग हुए थे? हम लोग वासीवाड़ा, वासीवाड़ा, वासीवाड़ा विलेज से हम लोग अलग हुए थे। आपका फोन में प्रॉब्लम हो गया था, फिर आप चले गए। हाँ, फिर उसके बाद 2 दिन मैं यहाँ पे रुका, फोन वाला भी सॉल्व फिलहाल स्टार्ट आउट हो ही गया, हो गया ना। और ये भी नहीं अभी। हेलो दोस्तों, नोमैड चरणजीत का चैनल सब्सक्राइब करो और उनको लाइक करो, फॉलो करो। और अपना नाम क्या हुआ? शिवा। शिवा कहाँ से हो आप? आगरा। आगरा से हैं शिवा भाई, और यहाँ पे हमें दिखे, और भाई आते ही इन्होंने पूछा था, आप ही ने पूछा था ना पीछे कि आपके चैनल का नाम क्या हुआ, और भैया है आगरा से, और यहाँ पे आगे गए ये दोबारा से वापस आए और हमें बोलने लगे कि आपने अगर बैग बैग लगेज वगैरह अपना अगर पीछे रखना है तो हम जो है वो आपका रखवा देते हैं। तो भाई हेल्पफुल बंदे हमें मिल गए, और इनका भी मन है कि आप भी जो है वो घूमोगे, ना घूमना चाहते हो आप भी? अच्छा चलो फिर हमारे साथ ही निकल पड़ो। नहीं निकलोगे? क्यों? अच्छा thank you.
माता के दर्शन वगैरह जो है वो कर लिए हैं, और इसके बाद यहाँ से दर्शन किए और पीछे जो है वो ये वाले लोग हैं, और बाकी यह है माता का मंदिर। और एक और चीज़ दिखाते हैं, और है भाई एक तालाब जहाँ पर लोग नहाते हैं। को भेजा है दर्शन करने के लिए, यहाँ पर कुछ बैग पड़े हैं अपने, ये देखो पीछे लगेज। और अभी हम यहाँ से दर्शन करके हमने ये सोचा है कि यहाँ पर एक और बागेश्वर कुछ ऐसा नाम है, और वहाँ पे जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना उसके बीच में छोटा सा आइलैंड है, और उस आइलैंड के ऊपर वो मंदिर है, और हमने सोचा है कि हम वहाँ पर जाके दर्शन करके फिर हम जो है वो उसके बाद मेघालय की तरफ जो है वो निकल जाएँ। और यहाँ से मेघालय पता नहीं कितने दूर है हमें उसके बारे में पता नहीं। हाँ, और बाकी भाई तीन चार यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर मिले, और जिनको मिलके जो है वो बहुत खुशी हुई, और उन्होंने यहाँ पे चाय ऑफर की एक चीज़। और उसके बाद हाँ लगेज जो है हमारे पास, तो लगेज रखने के लिए उन्होंने बोला कि हमारा जहाँ पर कमरा है और हम जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर आप अपना लगेज जो है वो उसको रख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने सोचा कि मंदिर में जाके माता का के दर्शन जो है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि 5-6 घंटे जो है वो लाइन में लगना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होगा जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है ना वहाँ पे जाके हम जो है वो माता के दर्शन वहाँ से माथा वगैरह टेक लें, और उसके बाद हम वहाँ से ही वापस आओगे। कैसे हुए दर्शन आपके? हे गाइस, आज हम लोग कामाख्या माता मंदिर आए थे दर्शन के लिए। दंजीर मतलब दर्शन बहुत ही अच्छा रहा, इतना उम्मीद नहीं रखे थे क्योंकि यहाँ पे 5-6 घंटा तक लाइन लगना पड़ रहा था, और फिर माता जी का आशीर्वाद से हम दोनों का ही दर्शन बहुत ठीक ठाक हो गए। तो हम लोग तो अभी तक सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, ना पानी तक पिए, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे किसी होटल में खा लेते हैं। सही है ना? तो अभी भाई कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बड़ी लगी है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, और कुछ खा पी के फिर निकलते हैं आगे भाई। उमानंदा टेंपल जो है तो वहाँ के लिए भाई मैं तो निकल दिया, और भाई भी पीछे आ रहा है। सबसे पहले भाई आप इस जगह पे, मैं कल परसों भी आया था और अभी भी देख लो भाई
यहाँ पर ये हैं कुछ क्रूज़ हैं और कुछ यहाँ पर फेरीज हैं, और आपको फ़िलहाल तो अभी हमें फेरी मिलेगी यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए। अब टिकट पता नहीं कितना होगा, जिस दिन मैं यहाँ से उस पार गया था, जिस दिन कब, कल ही तो गया था, कल गया था परसों गया था, कल ही गया था यार, और कल उसका टिकट था 3 रुपये और आज के लिए बोल रहे हैं कि आज 20 रुपीज़, कुछ ऐसा ही होगा। और अपना भाई कहाँ पर चला गया भाई, सबसे पहले टिकट का पता करते हैं आगे जाके, और इतना सामान लेके वो है भाई सामने, ये भी नहीं है, उमन नंदा यही होगा। तो भाई अंकल ने हमसे टिकट भी नहीं ली, मैं ये भी नहीं बोला कि टिकट दिलवाओ, और यहाँ पे हो रहा है भाई बंद, जल्दी आओ जल्दी। हेलो ऊपर में जाओ भाई, ऊपर में जाओ। ऊपर जा सकते हैं ऊपर। तो भाई फेरी फेरी की ट्रिप ले रहे हैं हम, और भाई में भाई इतनी एक्साइटमेंट मैंने पहले नहीं देखा भाई, मजा आ रहा है भाई। हम लोग निकले थे किसी और चीज के लिए, हम लोग कुछ और चीज रहे हैं। हाँ, हम निकले कहाँ के लिए थे भाई, वो जो सामने है ना वो वाला आइलैंड, वहाँ पे है कौन सा, उमानंदा टेम्पल, उमानंदा टेम्पल उसके लिए निकले थे, और निकले थे। हमारे साथ भाई स्कैम होने लगा, और भाई ने मांग लिया 400 रुपए, हम दोनों से मांग लिए, और हमने कर दिया भाई इनकार, साफ साफ मना कि भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो 400 रुपए में तो हम लोग एक स्टेट घूम लेते हैं यार, और ये तो सिर्फ एक आधी किलोमीटर छोड़ने के लिए 400 रुपए हमारे पास समझे। और भाई उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ, हम आए यहाँ पर, और ये है गवर्नमेंट का, और यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ वगैरह लेके जो है वो उस और जाते हैं ब्रह्मपुत्र के पार। और भाई हमने बोला अंकल को कि सर टिकट, उन्होंने बोला कोई टिकट नहीं आप फ्री में जाओ, फ्री में जाओ। फ्री में मिल गया भाई, हम आएंगे भी इसी के ऊपर, क्योंकि एक बार फ्री के फ्री से मतलब यात्रा कर रहे हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी मजे लेते। जनाब क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? ऑसम, आए हाय ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, और इतनी ठंडी हवा तो भाई ऊपर जब माता के टेंपल में गए थे ना वहाँ पे भी निकली है ना। हाँ हाँ सही बात है, ऐसे लग रहा है कि पानी कोई फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टर होके आ रहा है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। बाकी मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे भाई कैसे लोग जो है वो स्कूटीज वगैरह जो है वो उनको लेके जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। साइड से वो आ रहा है और इस साइड से ये भाई, ये दोनों जो एक ही तरफ मोड़ रहे हैं, हम दोनों एक ही तरफ मोड़ रहे हैं भाई, अब इसको बंद कर दिया, खड़ा कर दिया, और वो निकलेगा यहाँ से भाई। कर लो फिर बैग को पैक। सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होगा, पैक भी करना पड़ेगा। ले 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 मेरी उड़ा ले मजा। अब तो देखना, अब चिंतित हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मैं कितना भोला वाला मासूम सा बच्चा हूँ। सॉन्ग हो जाए इसके ऊपर, गाना हो जाए कोई। अब उतरने में मजा आएगा, अब उतरने में मजा आएगा बैग के साथ। पकड़ो फिर थोड़ा।
आप तो हो गए पैक, हमें भी होने दो। लोग इतना भारी चीज लेके घूमते कोई बिलीव नहीं कर पाता है। भाई बन रही है उसमें आए बैकपैक पिंटू, उसका उनका नाम है और वो रहा बैग में, क्या बात है। होना ही पड़ेगा भाई। तो भाई इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दो भाई। शेयर करने में क्या जाता है, आपके भाई को एक मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएगा। और आपने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं ना किया, चैनल को इस पर फॉलो कर दो, ताकि मैं पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब उस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ, ये आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि वीडियो तो 3-4 दिन बाद भी आ सकती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे तभी का तभी पता चलेगा एट प्रेजेंट जो है वो मैं कहाँ पे हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।